सात पवित्र नदियां। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों की अवधारणा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये नदियां धार्मिक अनुष्ठानों और पौराणिक कथाओं में महत्व रखती हैं। यहां हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित नदियों में से कुछ है गंगा। पौराणिक महत्व। माना जाता है कि गंगा की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई है, जिन्होंने जीवित और मृत लोगों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए अपना जल पृथ्वी पर छोड़ा था। इसके पृथ्वी पर अवतरण को राजा भगीरथ की कथा में दर्शाया गया है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। संबद्ध देवता। गंगा को देवी गंगा के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अक्सर मगरमच्छ की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है। ये भगवान शिव से भी जुड़ा है, जिन्होंने गंगा के तीव्र प्रवाह को अपनी जटाओं में कैद कर लिया और उसे पृथ्वी पर बाढ़ आने से रोक दिया। तीर्थ स्थल वाराणसी, हरिद्वार और इलाहाबाद के पवित्र शहर गंगा के किनारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। कुंभ के दौरान इसके जल में स्नान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेला आध्यात्मिक आशीर्वाद और मुक्ति प्रदान करता है। यमुना। पौराणिक महत्व। यमुना नदी का भगवान कृष्ण से गहरा संबंध है, जिन्होंने अपना बचपन और युवावस्था मथुरा और वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में बिताई थी। किंवदंतियां यमुना के किनारे गोपियों के साथ कृष्ण की चंचल हरकतों के बारे में बताती हैं। संबद्ध देवता। यमुना को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है और देवी के रूप में पूजनीय है। भगवान कृष्ण, जिन्हें अक्सर यमुना धरकारा, अपने हाथ में यमुना धारण करने वाले के रूप में जाना जाता है, नदी के महत्व को दर्शाते हैं। तीर्थ स्थल मथुरा और वृंदावन यमुना नदी के किनारे प्राथमिक तीर्थ स्थल है। सरस्वती। आध्यात्मिक महत्व। सरस्वती नदी को ज्ञान, बुद्धिमता और पवित्रता का प्रतीक, एक पौराणिक और आध्यात्मिक नदी माना जाता है। ये आत्मज्ञान के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है और उच्च शिक्षा की खोज से जुड़ा है। पौराणिक संगम। जबकि सरस्वती नदी की भौतिक उपस्थिति पर बहस होती है, ऐसा माना जाता है कि यह प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से मिलती है। कुंभ के दौरान संगम स्थल संगम को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। मेला। कुंभ के दौरान संगम स्थल पर लगने वाले मेले को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। नर्मदा। पौराणिक महत्व। नर्मदा नदी भगवान शिव से जुड़ी है और इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के माथे के दिव्य पसीने से हुई है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संबद्ध देवता। नर्मदा नदी को देवी नर्मदा के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव भी नदी से निकटता से जुड़े हुए हैं और इसके किनारे उन्हें समर्पित कई मंदिर हैं। तीर्थ यात्रा। नर्मदा परिक्रमा करना, नदी के चारों ओर की यात्रा महान भक्ति और आध्यात्मिक महत्व का कार्य माना जाता है। तीर्थयात्री पैदल चलते हैं या नदी की परिक्रमा करते हैं। यात्रा पूरी करने में अक्सर कई महीने लग जाते हैं।
गोदावरी। लंबाई और महत्व। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में पूजनीय है। जहां ये कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजमुंदरी पुष्करलू। गोदावरी पुष्करलू 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। भक्त खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने के लिए नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। राजमुंदरी इस त्योहार का केंद्र बिंदु है। संबद्ध देवता। हालांकि गोदावरी से जुड़ा कोई विशिष्ट देवता नहीं है, नदी को पवित्र माना जाता है। और अक्सर विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों में इसका उल्लेख किया गया है। कृष्णा। भगवान कृष्ण से संबंध। कृष्णा नदी का भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण से गहरा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बचपन और किशोरावस्था की कई गतिविधियां की थी। कृषि में भूमिका। कृष्णा नदी बेसिन व्यापक कृषि का समर्थन करता है। इसके किनारों पर गन्ना, चावल और कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तीर्थ स्थल। कृष्णा नदी के किनारे स्थित विजयवाड़ा और अमरावती शहर अपने मंदिरों और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। कावेरी, दक्षिण भारतीय जीवन रेखा। कावेरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है और दक्षिण भारत में विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इसका बहुत महत्व है। किंवदंतियां और मिथक। कावेरी कई किंवदंतियों और मिथकों से जुड़ी है, जिनमें ऋषि अगस्त्य की कहानी भी शामिल है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया था। त्योहार। ये नदी तमिलनाडु में पोंगल जैसे त्योहारों से गहराई से जुड़ी हुई है, जहां लोग प्रार्थना करते हैं और नदी की जीवनदायिनी संपत्तियों का जश्न मनाते हैं। ये पवित्र नदियां केवल स्रोत नहीं है, वे भारत की धार्मिक
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान में गहराई से रचे बसे हैं। तीर्थयात्री और श्रद्धालु आध्यात्मिक शुद्धि, आशीर्वाद और अपनी आस्था और विरासत के साथ गहरा संबंध पाने के लिए इन नदियों का दौरा करते रहे।